सो हे दी पोकेमोन ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू द हार्डेस्ट गेम पोकेमोन रेडिकल रेड। और भाई लोग आज अपन लोग हराने वाले हैं भाई ब्लेन को। एंड आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि भाई रेडिकल रेड की वीडियो भाई तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद आ रही है। भाई 2 से 3 हफ्ता बहुत लंबा वाला गैप ले लिया भाई हम लोग ने रेडिकल रेड के अंदर। एंड आप में से भाई पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे भाई कि रेडिकल रेड की वीडियो डाल या जल्दी डाल, हम लोग को ब्लेन को हराना भाई बहुत मुश्किल हो रहा, मतलब हार ही नहीं है, मतलब हम लोग हरा ही नहीं पा रहे भाई ब्लेन को, सीधी बात। तो फिर भाई मैंने सोचा भाई आप लोग को दिक्कत आ रही तो वीडियो बनाना पड़ेगा। वैसे मैं भी भाई रेडिकल रेड खेलना चाहता हूँ, बट ये क्या है ना भाई, गेम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है भाई, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग खेलते हो तो आप लोग को पता हो भाई कि इसके अंदर भाई छोटे से छोटा बच्चा भी भाई जल्दी हारता नहीं, उसके लिए भाई प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। एंड उसके लिए भाई बहुत सारे पोकेमोन टेस्ट करने पड़ते हैं हमको ऑफलाइन में, सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड अभी सीन ये ना भाई कि मेरे कॉलेजेस वगैरह खुल चुके हैं एंड मुझे जाके घिसना पड़ता है भाई कॉलेज में, इसके लिए टाइम बहुत ही कम मिलता है। सो फिर इसके लिए भाई मैंने रेडिकल रेड भाई जस्ट स्टॉप कर दिया था चैनल पे, बट आप लोग के कमेंट्स पढ़ पढ़ के भाई मैंने सोचा भाई चलो टाइम निकाल लेंगे भाई और स्टार्ट, मतलब फिर से भाई शुरू कर देते रेडिकल रेड। और यहाँ पे भाई आज आ रहा है एपिसोड, तो आप लोग भाई जम के प्यार दिखाओ, जम के सपोर्ट करो, जम के लाइक ठोको भाई, मेरे को मतलब जो मैं कर रहा हूँ भाई मेहनत, उसका मेरे को फल मिलना चाहिए भाई। वरना अगर आप लोग भाई रेडिकल रेड के ऊपर सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो फिर हमेशा से मैं आपको बोल रहा हूँ भाई रेडिकल रेड के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है। सो भाई इसकी इस वीडियो के ऊपर भाई मतलब रेडिकल रेड के सभी वीडियोस के ऊपर लाइक किया करो एंड अपना सपोर्ट दिखाया करो भाई, क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है भाई रेडिकल रेड की वीडियोस में। सो प्लीज़ सपोर्ट दिखाया करो। एंड भाई लोग आज अपन लोग हराने वाले ब्लेन को, सो उसके लिए अपनी टीम देख लो भाई। एंड पूरी टीम में भाई सबसे जो मेन बात है ना, मतलब पहले आप लोग टीम देख लो। एंड डॉन फैन का एक चीज़ भाई याद रखना, मतलब देखना जब आप लोग डॉन फैन पकड़ोगे या फिर अपने टीम में रखोगे, इसका जो भाई यहाँ पे एबिलिटी है ना भाई स्टडी जो भी बोलते हैं भाई, सैटरडे लिख दिए थे, सीधा सीधा अच्छा रहता है, बोलने में भी अच्छा आसान रहता है। इसका जो एबिलिटी है ना भाई स्टडी निगेट्स 1-hit KO अटैक्स, इसका मतलब ये है कि भाई ये 1-hit KO बिल्कुल भी नहीं होगा, कितना भी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने दो ये 1-hit KO नहीं होगा। और ये भाई बहुत ज़्यादा काम का है भाई इस जिम के अंदर, तो मैं आपको लेके चलता हूँ जिम के अंदर। और यहाँ पे जिम के अंदर हम आ चुके हैं, अब वो एबिलिटी कितना ज़्यादा काम का भाई आपको बैटल के अंदर पता चल जाएगा। सो यहाँ पे भाई सबसे पहले हम लोग को क्विजेस भाई सॉल्व करने पड़ेंगे, आप चाहो तो बैटल कर सकते हो, बट मेरे को पता है भाई सब लोग मेरे जैसे यहाँ पे काम चोर लोग जो बैटल बिल्कुल नहीं करेंगे, फटाफट भाई शॉर्टकट वाले बंदे सब। कैटअप इवॉल्व्स इनटू मेटापॉड, यस एब्सोल्युटली ओके, मेरे को पता भाई सब लोग मेरे जैसे भाई शॉर्टकट वाले बंदे काम चोर लोगों, बैटल करो यार फिर जाओ, क्या पोकेमोन क्विज सॉल्व कर रहे हो भाई तुम भी। वैसे ये इंटरेस्टिंग है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सभी गेम्स के मतलब सभी जिम बैटल मतलब सभी जिम लीडर क्या बोल रहा है, सभी जिम्स में हम लोग को भाई बंदी लोग से बैटल करना पड़ता है, और यहाँ पे भाई एक डिफरेंट चीज़ मतलब कुछ अलग मिल रहा है तो वो अलग वाला करती। मैं कुछ ही बहुत कन्फ्यूज़ हो गया भाई, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। पॉलीवॉल इवॉल्व्स 3 times, नो एब्सोल्युटली नो 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 ब्रो, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ ना कॉपी कर लो भाई, एग्ज़ाम वाला कॉपी करो, एक्स्ट्रा रट्टा नहीं रट्टा नहीं, ऐसा छापो ना भाई, ऐसा छापो ना कि पेपर चेक करने लोगों को पता चल जाएगा भाई कि आगे और पीछे वाले में सेटिंग था। ठीक है, आर इलेक्ट्रिक मूव्स नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, ग्राउंड के ऊपर इलेक्ट्रिक मूव भाई डैमेज दे दे वही बड़ी बात है भाई, इफेक्टिव की बात छोड़ दो, सच बता रहा हूँ भाई, जो गेम खेलते हैं उससे पूछो उसको सब पता चल जाएगा भाई, कितना भी बड़ा नौ से क्या होने दो। ओके यस, इसका आंसर ये सी है भाई, ये एक बार ना इसको मैंने रॉन्ग किया था एंड उसी दिन से भाई मेरे को इसका आंसर याद हो गया, मतलब यस। एंड ये आखिरी वाले साथ से बाय द वे देखते हैं क्या है ये, नहीं भाई टॉम स्टोनी नाम का कोई अटैक नहीं है पहली बात, तो फिर भूल ही जाओ। ओके तो यहाँ पे भाई लोग हम लोग आ चुके हैं टकले के पास, आई एम सॉरी टकलू के अरे ब्लेन के पास, हाँ ब्लेन, हम लोग आ चुके हैं भाई ब्लेन के पास और आज इसके टकले पे ढोल बजाएंगे। ओके टकले पे ढोल बजाएंगे, इसके वाइट वाइट मूछों को खींचेंगे, बाय द वे इसका टकला चमक रहा नहीं है भाई, धूप नहीं है ना, अच्छा धूप नहीं है भाई, वही तो धूप होती है जो चमकता एकदम, मतलब शाइन करता एकदम भाई, टन टनाटन हो जाता। बाय द वे भाई आलतू फालतू बातें दूर रखो, बैटल करते, काफ़ी दिनों से भाई रेडिकल हम लोग ने खेला नहीं और आज खेल रहे तो भाई डायरेक्ट बैटल, वो भी एकदम तगड़ा वाला, तो फिर मज़ा आने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मेरे को थोड़ा फोकस करने दो गेम के ऊपर, क्योंकि बातों बातों में भाई कुछ अलग अटैक कर दे तो एंड मेरा सिस्टम ही मतलब पूरा जो प्लानिंग रहता है ना स्ट्रैटेजी पूरा बर्बाद हो जाता है उसके चक्कर में, सो इसके लिए मैं गेम के ऊपर फोकस करूँ। साथ ही साथ भाई मुँह चलाना कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए मूवी चला रहा हूँ। एंड यहाँ पे भाई प्राइमल ग्रोडॉन ने एक्चुअली पहली बार मैं देखा था तो मैं शॉक हो गया था, बट नॉर्मल यार जब आप ऑफलाइन में 50 बार किसी से बैटल करो तो उसकी टीम देख के आप घंटा किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, सच बता रहा हूँ। अगर आपने भाई आप लोग जब पहली बार देखोगे अरे भाई लेजेंडरी आ गया क्या करूँ, मैं 50 बार बैटल कर चुका भाई तो मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, सच बता रहा हूँ। इसके लिए भाई मैं भाई 50 बार इससे हार चुका, 50 बार नहीं 2-4 बार इसको हरा चुका हूँ, तो मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ेगा यार,
दो चार बार नहीं भाई, और ज़्यादा बार मैंने हराया, क्योंकि इसको मैं हरा दूंगा, इसको हराने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो उसके पोकेमॉन आएंगे ना वो खतरनाक थे भाई, मेगा चार्जर एक्स है इसके पास, वो तो भाई कितना खतरनाक है आप लोगों को पता ही है। और साथ ही उसके पास विनोसॉर है भाई, और उसके बाद विनोसॉर के साथ ओके ओवर हिट, और ये ओके ख़त्म भाई। एक्चुअली में इसका अटैक मिस नहीं होना चाहिए था बाय द वे, इसका अटैक मिस हुआ तो अपने लिए फ़ायदे वाली बात है। एंड बाय द वे भाई लोग, इसका अटैक मिस हुआ तो अपने लिए फ़ायदे वाली बात की हुई पता है, क्योंकि अगर उसका अटैक मिस नहीं होता भाई वो टर्टनेटो को फेंट कर देता। सिंपली आंसर दे रहा हूँ आपको, अगर उसका अटैक मिस नहीं होता तो भाई टर्टनेटर फेंट हो जाता। बाय द वे आपके साथ अलग सीन होगा, अगर उसका अटैक मिस नहीं हुआ तो फिर आपके साथ अलग सीन होगा, पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है भाई, आप लोग जीत दो, मेरी टीम अगर फॉलो करोगे तो आप लोग जीत जाओगे। एंड यहाँ पे भाई इसके ऊपर ग्राउंड टाइप इफेक्टिव तो दिखा रहे, बट फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका ड्रैगन डांस ये बूस्ट कर रहा है। ओके ये अटैक इसको बहुत ही कम डैमेज दे रहा है, हम लोग यही करेंगे टेंशन नॉट। ओके ड्रैगन डांस भाई बहुत ज़्यादा बूस्ट कर लिया ये, एंड ये बंदा भाई बहुत खतरनाक बन गया, चार्ज शॉट बहुत खतरनाक हो गया भाई। ओके अब इसका एक अटैक सबको वन हिट करेगा, ओके ख़त्म है ये। अब मेरे को डर लग रहा है भाई, सच बता रहा हूँ, लिटरली डर लग रहा है इसके खिलाफ। ओके चल भाई तू जा, अर्थ को एक लगा ना ये फेंट हो जाएगा, फ्लेयर ओके वन हिट, नहीं 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 ओ माय गॉड, बंदा वन हिट कर दिया, ओके खुद भी जाने वाला था। एक मिनट रुको, अच्छा हिटमॉनचैन बचा हुआ है, टेंशन का ही को लेते यार तुम लोग, टेंशन मत लो, अपन है ना तुम्हारे साथ ही गया, देखो ओके बाय बाय। वैसे अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बिगड़ गई है बाय द वे, मतलब उसकी टीम के जो टीम है ना भाई, उसकी टीम उल्टा फुल्टा आना शुरू हो गई, तो यहाँ पे एक दिक्कत हो सकता है भाई अपने साथ, वो दिक्कत बड़ा वाला होगा मेरे ख्याल से। एक मिनट भाई, अरे अब होगा भाई, असली मज़ा अब आने वाला है। हाइड्रो पंप ये फेंट हो जाए, वन हिट होना चाहिए इसको, हो जाओ ओ माय गॉड भाई, वन हिट नहीं हुआ यार ये, अब ये ख़त्म कर देगा हमको भाई। बच गया भाई लोग, बच गया, देख रहे हो क्या बात है भाई, बच गया। ओ बल्ले बल्ले, शियावा, अरे नहीं भाई सिल वैली आ गया, ये अपना स्ट्रैटेजी बिगड़ गया यहाँ पे भाई, उसको हम लोग को वन हिट नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं विनोसॉर तू मत फेंट हो यार, गीगा ड्रेन करवाते इससे भाई, थोड़ा एचपी चूस ले भाई, प्लीज़ फेंट मत होना भाई, प्लीज़ यार। वो बच गया भाई, ओहो बल्ले बल्ले, ओके एचपी काफ़ी चूस लिया भाई, फेंट कर देगा इसको ये, फेंट कर दे प्लीज़ बड़ी, प्लीज़ डू इट विनोसॉर, मेगा विनोसॉर डू इट, ओके कर देगा ये तो, कर देगा आप तो, फाड़ के रख देगा भाई, ओके ख़त्म, चलो बढ़िया। बाय द वे भाई इसने अपनी टीम में थोड़े बहुत, मतलब देखो हम लोग से भाई, अब देखो उसका जो प्राइमल गोडन था उसका अटैक मिस हुआ तो अपने भाई टर्टोनेटर ने उसको फेंट कर दिया, और इसके जो पोकेमोन की ऑर्डर थी वो चेंज हो गई, तो अपन को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता है भाई क्या सीन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेगा विनोसॉर क्या करेगा, एक्चुअली मेरे को करना चाहिए ना फकैड करना चाहिए ना, स्लज बॉम्ब ही करते भाई, पॉइजन के ऊपर पॉइजन नॉट वेरी इफेक्टिव, आई नो गाइस। ओके डैमेज काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको, डैमेज से मतलब है ना भाई, नाइन ओह भाई गलत बात यार। अब गोल्डक के ऊपर पूरा भाई मैच है, गोल्डक भैया प्लीज़ मारिए उसको पटक के, ये गया ओ भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बता रहा हूँ गोल्डक इस जिम के अंदर भाई बहुत ज़्यादा काम का है। तो यहाँ पे हम लोग ने भाई फाइनली हरा दिया ब्लिंक, और इसका लेवल अप हो गया भाई, बहुत गलत टाइम पे हुआ, मतलब बैटल ख़त्म होने के बाद बीच में होता तो और मज़ा आता। ओके भाई लोग तो यहाँ पे भाई देखो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी, और कौन से पोकेमॉन के खिलाफ कौन सा पोकेमॉन भेजना था वो मेरे को पता था, तो मैं आपको बता दूं भाई जैसे उसका प्राइमल ग्रोडॉन है ना वो अपने टर्टोनेटर को फेंट कर देगा, तो उसके बाद आप लोग हिटमॉनचैन भेज के उसको मार्क पंच से ख़त्म कर देना, एंड उस भाई उसको भेजेगा टाइफ्लोजन को, तो टाइफ्लोजन भाई अपने उसको हिटमॉनचैन को फेंट कर देगा, फिर आप लोग सीधा भाई गोल्डक को भेज के हाइड्रो पंप करवा के उसको फेंट कर देना, उसके बाद वो विनोसॉर को भेजेगा, विनोसॉर के ऊपर भाई जेन हेडबट मारना वो भी फेंट हो जाएगा। सिलवाली के लिए भाई आप लोग विनोसॉर का ग्रास टाइप अटैक करवा सकते हो, या फिर आप लोग वाटर टाइप अटैक करवा सकते हो भाई उसका गोल्डक अगर वो बचता है तो, हाँ वाटर टाइप अटैक करवा लेना। एंड फाइनली भाई चार्जशॉट के लिए मेगा चार्जशॉट के लिए भाई आपको गोल्डक को बचा कर रखना पड़ेगा, वरना उसके लिए भाई अपना वो था ना क्या नाम है भाई उसका, एक मिनट देखने तो मैं आपको बता दूँ भाई, वो ग्राउंड टाइप और फायर टाइप वाला पोकेमॉन उसका नाम क्या भाई, अपनी टीम में देखना पड़ेगा मेरे को, वो भाई चार्ज शॉट को मतलब फेंट कर देगा एक टाइम पे। एंड टेंशन नॉट आप लोग हरा दोगे भाई, इसका नाम क्या भाई, नाम ही भूल जाता है पता नहीं क्यों। एंड यहाँ पे ये जो हाँ कैंपर अप्ट है ना भाई, ये चार्ज शॉट को फेंट कर देगा, मतलब ये फेंट कर देगा, अगर चार्ज शॉट इसको फेंट करते ना तो चार्ज शॉट भाई एकदम लो एचपी पे जाके इसको फेंट करेगा, टेंशन नॉट वो भाई फ्लेयर ब्लिच मार के खुद ही फेंट हो जाएगा, आप लोग हरा दोगे टेंशन नॉट, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, ये टीम फॉलो करना आप लोग, और जो मैंने आप लोगों को बोला भाई एकदम अच्छे से फॉलो करना, आप लोग जीत जाओगे, ओके कोई दिक्कत आने वाली नहीं आपको। सो भाई लोग यहाँ पे हम लोग ने हरा दिया है ब्लेन को, एंड कैसे हराना है क्या करना है टीम क्या है सब कुछ मैंने एकदम अच्छे से आप लोग को समझा दिया है।
एंड होप्स तो कि आप लोग भाई समझ भी गए होगे। और भाई मैंने आपको हरा के भी दिखा दिया, बस जो जो मैंने आपको बोला ना वही करना भाई, और उसकी पोकेमोन के खिलाफ अपने पोकेमोन को भेजना, बस एकदम जैसा मैंने बोला ना वैसे भेजना भाई उसकी। देखो उसका जो भाई सबसे खतरनाक पोकेमोन है ना भाई वो प्राइमल ग्रोडन था, उसके लिए भाई अपना टर्टोनेटर उसको संभाल लेगा एंड एंड में जाके आपको हिटमॉनचैन का भाई मार्क पंच करवा देना, फेंट हो जाएगा। उसके बाद भाई आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लो भाई, बार बार आपको पकाऊंगा नहीं, वीडियो लंबी होगी फालतू में। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स देखो, एक दो तीन हफ्ते बाद हम लोग रेडिकल रेड खेल रहे हैं एंड पहले ही वीडियो में, मतलब दो तीन हफ्ते के बाद जो ये पहला वीडियो आया उसके अंदर ही भाई हम लोग ने ब्लेन को हरा दिया, उसको भाई मट्टी चखा दिया है। सो आप लोग को भाई वीडियो कैसे लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, होप सो कि आप लोग को भाई बहुत ज़्यादा ही मजा आएगा आज के इस वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ भाई लोग रेडिकल रेड के ऊपर और साथ ही साथ जितने भी गेम्स में खेलते हो भाई सबके ऊपर प्लीज़ अच्छा वाला सपोर्ट दिखाओ, जिससे भाई मेरा भी मन करे भाई वीडियोज़ बनाने का ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, मतलब दिन में 50-60 वीडियो डाल दो, 50-60 नहीं, एक दो हाँ ठीक है, एक दो 50-60 भाई कुछ भी जबान फिसल जाती कभी कभी। चलो गाइस आज के लिए बस इतना, कल मिलेंगे नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बस जाके सो जाओ घर पर।